बागेश्वर बाबा से डर भूत प्रेतों को लगता है, राक्षसों को लगता है। पहले भी राम जी जब ऋषि महर्षि यज्ञ करते थे तो राक्षस आते थे उसमें हड्डी और ब्लड डालने के लिए कि राम का, राम के नाम से। अरे इनका वो मंत्री नहीं था रामचरितमानस पे साथ, हमेशा तो कभी ब्राह्मणों को गाली देना, कभी साधु संतों को गाली देना, कभी किसी को, कभी राम पे सवाल उठना, कभी कृष्ण पे सवाल उठाना, सब पे पूजा पाठ यज्ञ, इसी से तो इनका विरोध है। या इसका विरोध कौन, पहले भी राक्षस करते थे। बागेश्वर बाबा के जो पर्चा है उनमें ये लोग जो है सवाल उठा रहे हैं, बागेश्वर बाबा के पर्चा पर डर रहे होंगे पर्चा में कुछ निकल जाए। चोर को देखिए, चोर को हर आदमी चोरे की दृष्टि से देखता है। बिहार में जो है 13 मई को जो है बागेश्वर बाबा आ रहे हैं, ऐसे में जो है तेज प्रताप जो है सेना का गठन कर लिया है बागेश्वर बाबा के घिराव के लिए। ऐसे में हमारे साथ जो है सुधीर पांडे जी है, इनसे जानना ये जरूरी हो जाता है क्योंकि अनेकों तरह के जो सनातनी धर्म होता है उनके रक्षा के लिए जो है ये आवाज उठाते रहते हैं। स्वागत है सर। धन्यवाद। बागेश्वर बाबा बिहार आ रहे हैं, उनके घिराव के लिए अनेकों तरह के टीम का गठन, कुछ नहीं कर पाएंगे। इनकी औकात कुछ नहीं है, सिर्फ ये मुंह खोल के, वो एक गली में जानवर होता है उसको ट्रेनिंग दिया जा रहा है जिस तरीके से हमारे देश के आर्मी के जवानों को। यार गली में वो आ रहे हैं ना, इनके घर ना, ये वहाँ नहीं जा रहे हैं, तो घर पे कौन भौंकता है दरवाजे पे? आखिरकार कौन सी वो बात रहा है इनको डर लग रहा है बागेश्वर बाबा से? बागेश्वर बाबा से डर भूत प्रेतों को लगता है, राक्षसों को लगता है। बाबा से डर, वो पहले भी राम जी जब ऋषि महर्षि यज्ञ करते थे तो राक्षस आते थे उसमें हड्डी और ब्लड डालने के लिए कि राम के नाम से। अरे इनका वो मंत्री नहीं था रामचरितमानस पे सवाल उठाया था। अच्छा, हमेशा तो कभी ब्राह्मणों को गाली देना, कभी साधु संतों को गाली देना, कभी किसी को, कभी राम पे सवाल उठना, कभी कृष्ण पे सवाल उठाना, सब पे पूजा पाठ यज्ञ, इसी से तो इनका विरोध है। या इसका विरोध कौन, पहले भी राक्षस करते थे अब भी कर रहे हैं। बागेश्वर बाबा के जो पर्चा है उनमें ये लोग जो है सवाल उठा रहे हैं, बागेश्वर बाबा के पर्चा पर डर रहे होंगे पर्चा में कुछ निकल जाए। चोर को देखिए, चोर को हर आदमी चोरे की दृष्टि से देखता है, ठीक ना? जैसे मान लीजिए मैं चोर हूँ ना, तो मैं सबको शक की दृष्टि से होऊंगा कि सब चोरवे होगा। एक सज्जन आदमी बागेश्वर बाबा इस समय तक इन लोगों पर कुछ बोले हैं? एक सब नहीं। क्या बोले? अरे हम बिहार आवता नहीं हो, कैसन बाड़ा, सब खुश रहो, सबको आशीर्वाद दिए। यही होता है संत का चरित्र। बागेश्वर बाबा को बीजेपी का एजेंडा बता रहा है, क्या लग रहा है? कहाँ बीजेपी का प्रचार किए हैं, कभी कभी किए हैं? लोग तो बता रहा है जो विपक्षी के पार्टियां हैं। मैंने भारतीय जनता पार्टी हमेशा मंदिर, राम कृष्ण, सनातन संस्कृति, यज्ञ, इसकी बात करती है कि हम वही हैं। वह मानती है कि यहाँ के रहने वाले लोग कहीं ना कहीं लौ कुश, जो ये लोग समीकरण बनाते हैं वो किनके वंशज थे? लौ कुश किसके बेटा थे? हमें नहीं मालूम है, आप बता दीजिए। लौ कुश का नाम नहीं जानते हैं? लौ कुश का नाम तो जानते हैं। किसके बेटा थे? राम जी के। राम जी के, हाँ। तो खुद आप लौ कुश हैं, राम जी के बेटा हैं, और उसी राम जी के भक्त हनुमान हैं, और उनका सेवक आ रहा है, तो उससे आपको दिक्कत हो रही है? इतना दोगलापन कहाँ से? एक तरफ आप लौ कुश कहेंगे, एक तरफ आप कहेंगे हम कृष्ण के वंशज हैं, यदुवंशी हैं, और एक तरफ उनके उनका सेवक आ रहा है तो उससे विरोध हो जाएगा। कितना दोगलापन है यार। ये कौन बिहार के लोग नहीं समझ रहे हैं कि कौन लोग हैं, क्या करना चाहते हैं? सिर्फ मुसलमान ही वोट देता है क्या बिहार में? हिंदू वोट नहीं देता है क्या? वो लौ कुश वोट नहीं देता है क्या? यही सनातनी रक्षक जो है इसे जो है बता रहा है कि वोट का, वो बता रहा है वोट का खेला। हाँ तो वोट का खेला क्यों नहीं, तुम भी राम का उनका स्वागत करो यार। सब वो किसी पार्टी के, आखिरकार हिंदू तो वो भी है, वो भी भगवान के पूजा करते हैं। हाँ, तो जाओ ना, स्वागत करना चाहिए और चढ़ के शामिल होना चाहिए। अच्छा, और आरजेडी को आगे जाना चाहिए। अच्छा। लेकिन डर है कि उनका अपना वोटरवा, जब वो वोट किस लिए देता है? जो राम को गाली देता है। बात हमारी समझ गए? अच्छा। राम का जो विरोध करेगा उसी को समुदाय विशेष वोट करेगा। अच्छा। उसको खुश करने के लिए आप समझना यह है कि आप जाति के बन के वोट करेंगे कि हिंदू बन के वोट करेंगे। जिस दिन पूरा बिहार हिंदू बन के वोट करना शुरू कर देगा उसी दिन इन राक्षसों की दुकान बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी। 13 तारीख के जो है बागेश्वर बाबा के सुरक्षा के लेकर कई सारे जो है आशंका जाता जा रहा है। अरे बागेश्वर बाबा का कुछ नहीं होगा। बागेश्वर एक बार लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद से लालू यादव कभी सत्ता नहीं पाए।
तो बागेश्वर बाबा की गिरफ्तारी हो गई, तो इस बार 2024 में वो खेला होगा जो ये लोग सपना में नहीं देखे। फिलहाल इस खबरों के बारे में आपका क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं नीचे कमेंट में लिखते जाइएगा, पेज को फॉलो करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए विदा लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।